एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, अभी मैं आप लोग देख रहे होंगे, मैं अभी ट्रेन पे हूँ, एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बैंगलोर जा रहा हूँ कुछ काम से, वो सारा आप लोगों को ब्लॉग्स पे मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ ना कि अभी एक दो घंटा पहले ही मॉर्निंग के टाइम पे यूट्यूब के कुछ 3 नए अपडेट्स आए हैं, और इतने बेहतरीन, इतने अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं कि मुझसे रोका नहीं जा रहा कि आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए। तो मैंने सोचा चलो ट्रैवल करते करते ही वीडियो बना लेते हैं। एक्चुअली मैंने तो माइक लाया नहीं, तो फोन से माइक रिकॉर्ड हो रहा है, इधर ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस फोन से, और वीडियो उस वाले फोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए, अभी 3 नए अपडेट्स जो आए हैं उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, आप लोग काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, काफी अच्छे अच्छे बेहतरीन अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत एक्टिव रहता हूँ, आप देख सकते हो। ट्रैवल करते करते ट्रेन के सीट पे भी वीडियो बना रहा हूँ, और ऐसा करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करता हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पहले अपडेट की ओर। पहला अपडेट आया है दोस्तों क्लिप्स को लेकर के। आप लोग मेरे वीडियो के नीचे देखो, एक क्लिप्स लिखा हुआ आएगा, जहां से आप मेरे वीडियो के किसी भी पार्ट को काट करके, छोटे छोटे पार्ट में काट करके किसी को शेयर कर सकते हो। लाइक पहले क्या होता था कि डायरेक्ट वीडियो का पूरा लिंक शेयर करते थे, तो पूरा वीडियो ही उसके पास चला जाता था जिसको आप शेयर करते थे, और वो जब देखता था तो वो शुरू से स्टार्ट होता था वीडियो। बट आप क्लिप्स के थ्रू क्या होता है कि कोई भी टाइम जहां से आपको भेजना है, जिस भी टाइम्स को भेजना है, वहां पे टाइम सेलेक्ट करके उस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड में, किसी के भी साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। ये था दोस्तों पहला अपडेट, जो कि क्लिप्स पहले कुछ कुछ चैनल्स पे था, अब क्या हुआ कि सारे यूट्यूब चैनल्स पर आ जाएगा। टोटल जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स है, आने वाले एक सप्ताह में सबके चैनल्स पर ये क्लिप फीचर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की ओर। दूसरा अपडेट है दोस्तों फोटो पोल को लेकर के। दोस्तों पहले क्या होता था, कम्युनिटी पोस्ट पे जो होता है, कम्युनिटी टैब, जहाँ पे हम लोग कुछ शेयर कर सकते हैं, लाइक कोई वीडियो डाल सकते हैं, कोई पोल डाल सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि टेक्स्ट पोल डाल सकते हैं, कुछ लिख करके डाला जाता था, जिसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह ऑप्शंस रहता था। बट अब दोस्तों क्या होगा कि आप फोटो पोल डाल सकते हो, लाइक फोटो भी आप डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4 चार फोटो को डाल सकते हो जिसमें कोई भी वोट डाल सकता है। तो चार फोटो पोल्स का भी ऑप्शन आ गया, जो कि मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। तो कम्युनिटी टैब आपको 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही मिल जाता है, उसके बाद आप उसको आप आराम से फोटो पोल के तहत भी अब फोटोज भी पोस्ट कर सकते हो पोल पे। अब दोस्तों चलते हैं थर्ड अपडेट की ओर, जो कि है प्लेसेस को लेकर के, लोकेशन को लेकर के। पहले यूट्यूब पे क्या होता था कि आप अपने मुताबिक, अगर मान लीजिए किसी लोकेशन को टैग करना है, तो आपके वीडियो के जस्ट टाइटल के ऊपर में वो लोकेशन भी दिखता था कि आप जैसे लोकेशन टैग किए। बट अब क्या होगा कि ऑटोमेटिक लोकेशन ले लेगा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट का मान लीजिए वीडियो बना रहे हो, और रेस्टोरेंट का उस वीडियो में नाम लिए, उस जगह का नाम लिए, तो वो रेस्टोरेंट ऑटोमेटिक से टैग हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में वो लोकेशन ऑटोमेटिक से ऐड हो जाएगा। मतलब आपके सब्सक्राइबर लोग उस रेस्टोरेंट को लोकेशन के ढूंढ करके गूगल मैप से फाइंड कर सकते हैं। बट ये क्या होगा, इसमें एक और चीज अच्छा दिया है कि वो आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, या चाहो तो उसको डिसेबल्ड भी कर सकते हो, आपके अनुसार चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने, मतलब मान लीजिए कि मुझे मन नहीं, मान लीजिए मुझे मेरा घर का एड्रेस का बताना ही नहीं, तो फिर तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए मैंने घर का ब्लॉग बनाया तो मेरे घर का एड्रेस लीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप चाहो तो उसको ऑटोमेटिक्स में इनेबल करके रख सकते हो, या फिर उसको ऑफ भी करके रख सकते हो, तो ये ठीक है। तो चलिए, यही 3 नए नए अपडेट्स थे, जो कि मुझे काफ़ी बेहतर लगा। आप लोग बताना सबसे बेस्ट अपडेट कौन सा था, कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए देना है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।